खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाजिर हैं हम तीनों एंकर्स जिनकी सभी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिरबान। बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ। दरअसल कश्मीर पर हर तरफ, जी हाँ बिल्कुल कुमकुम, कश्मीर पर हर तरफ पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। कश्मीर पर हर तरफ से शिकस्त खाने के बाद बौखलाए इमरान खान ने अब परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। और देखिए किस तरह से इमरान खान जो हैं, उनको अपने मुल्क को संबोधित जब उन्होंने किया तो एक बार फिर से वो भारत को खोखली धमकी देते हुए नजर आए हैं। और धमकी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, परमाणु युद्ध वाली। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ी है, लिहाजा पिछले 20 दिनों से इमरान जब भी बोलते हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। एक बार फिर उनकी जहरीली जुबान सामने आई और भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। दरअसल इमरान के नए पाकिस्तान वाले नारे की हवा निकलती दिख रही है, दुनिया में उसकी कंगाली की चर्चा है। तो ऐसे वक्त में इमरान भारत को धमकी देकर अपने मुल्क का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान को तो पहले अपना देश संभालना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कश्मीरियों के लिए झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। वो इस तरह की धमकी देता रहता है, उसे भी मालूम है कि जिस वक्त वो सोचेगा भारत से परमाणु युद्ध का, सोचने लायक भी नहीं रहेगा। भारत अपने देश की हिफाजत करना जानता है और भारत हिफाजत करेगा। ये गिदर भपकी है, कुछ होने वाला नहीं। इमरान ने आज 23 मिनट तक भाषण दिया जिसमें 44 कट्स थे। पूरे भाषण में वो बार बार सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर मुद्दे को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उनकी सरकार को जो नाकामी हाथ लगी इमरान ने उसकी चर्चा तक नहीं की। देखिए असल में इमरान खान की बौखलाहट और बढ़ गई होगी जब उन्होंने फ्रांस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत को सुना होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सार्वजनिक मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति के ठीक बगल में बैठकर भारतीय प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में कह दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, इस पर किसी तीसरे पक्ष को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। फ्रांस के बियारित्ज शहर में ठीक ऐसा ही हुआ, जहां कश्मीर पर ट्रंप को मोदी की खरी खरी सुननी पड़ी और वो मुस्कुराते रहे। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। ट्रंप हाल ही में कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कई बार कर चुके थे। We talked about this subject, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." करीब एक महीने बाद जब बियारित्ज शहर में मोदी और ट्रंप आमने सामने हुए तो ट्रंप को जवाब मिल गया है कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता की कोई हसरत ना पाले, क्योंकि ना उसकी जरूरत है और ना ही वो पूरी होगी। हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और इसीलिए अपनी मध्यस्थता की पेशकश छोड़ी और तुरंत पलटी मारते नजर आए। उर्दू का एक शब्द है नफासत, उसी नफासत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़े प्यार से जो कहना था वो कह दिया। पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि दुनिया का दादा बनने की कोशिश करने वाले अमेरिका की कश्मीर में दादागिरी नहीं चलेगी। हालांकि इसी मंच से भारत और अमेरिका की गजब की दोस्ती भी दिखी। तो
ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस के बियारिस्ट शहर में भारत की कूटनीति की किस कदर जीत हुई है, जहां मोदी ने कश्मीर पर ट्रंप को मीडिया के सहारे दो टूक जवाब भी दे दिया और अपने बीच की मजबूत दोस्ती का रंग भी दिखाया। लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच इस हंसी मजाक की वजह जानिए। दरअसल जब मोदी मीडिया से हिंदी में बातचीत कर रहे थे तो ट्रंप बीच में ही बोल पड़े कि प्रधानमंत्री अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुँचाएंगे। इसी के बाद मोदी हंसने लगे, ट्रंप से हाथ मिलाया, काफी देर तक हाथ पकड़े रहे, हंसते रहे। इसी बीच ट्रंप के हाथ पर पीएम मोदी ने एक थपकी भी मारी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मोदी से मुलाकात को भी अपनी उपलब्धि बताया। जाहिर है इन तस्वीरों से पाकिस्तान को डबल झटका लगा होगा। एक तो कश्मीर में अमेरिका की एंट्री और मध्यस्थता की उसकी कोशिश को पलीता लगा, और दूसरे ट्रंप को खरी खरी कहने के बाद भी मोदी ट्रंप की दोस्ती मजबूत दिखी। तो ये हाथ और उसके बाद मोदी के हाथ की गूंज सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी रही। लोग अलग अलग तरीके से इस पर कमेंट करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जनजीवन अब पटरी पर लौटता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन कानून को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू कर दी है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में अब हालात सामान्य है। बाजार भले ही बंद है लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही चालू है। घाटी में ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसी उपद्रव से निपटने के लिए सड़कों पर सुरक्षा जवान भी तैनात हैं, और ये तैनाती अभी जारी रहने वाली है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर लिए गए बड़े फैसलों को अमली जामा पहनाने की तैयारियों में जुट गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद उसे लागू कैसे किया जाए, उसके लिए आज गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे गृह मंत्रालय में बैठक होगी। गृह सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार के कई मंत्रालयों के सचिव भी हिस्सा लेंगे। राज्य के पुनर्गठन करने पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर और लेह में कामकाज शुरू करने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि राज्य के पुनर्गठन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर जल्द काम शुरू हो। तो उधर अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी कश्मीर का दौरा करेगा। 27 और 28 अगस्त यानी दो दिनों तक मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि दोनों क्षेत्रों में वो कौन से इलाके हैं जहां विकास की किरण अब तक नहीं पहुंची है। चलिए अब बात करते हैं बहुचर्चित अनुच्छेद 370 की। दरअसल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या मिला, ये बताने के लिए बीजेपी देश भर में एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला कर चुकी है। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी दिलाने के क्या मायने हैं? इससे कश्मीर को क्या फायदे होंगे? कैसे ये क्षेत्र अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा? पूरे देश को ये सब समझाने के लिए बीजेपी एक बड़ा जन जागरण अभियान करने जा रही है। देश के करीब 370 शहरों में ये अभियान चलेगा, जिसमें पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और सीनियर नेता शामिल होंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। देश भर में 35 ऐसे बड़े स्थान जिसमें मूलतः सब प्रदेशों की राजधानी क्षेत्र हैं, और उनके अतिरिक्त 370 ऐसे टीयर वन टीयर टू सिटीज जिनको लिस्ट आउट किया गया है, उन सब जगह जाकर के संबोधित करें, लोगों को जन जागरण के लिए काम करें। इसके अलावा लोगों को अनुच्छेद 35 ए के बारे में बताने के लिए राज्यों की 35 राजधानियों का चुनाव किया गया है, तो कश्मीर के 7 शहरों में भी बीजेपी रैलियां आयोजित करेगी। 1 सितंबर से शुरू हो रहा ये कार्यक्रम पूरे 1 महीने चलेगा। इसे कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत,
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पार्टी के उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो साथ ही नौजवान सांसदों जामयांग शेरिंग नामग्याल और तेजस्वी सूर्या को भी इस कमेटी में रखा गया है। जामयांग लद्दाख से बीजेपी के सांसद है। देखिए, सरकार इस वक्त आर्थिक मोर्चों पर कई तरह से लड़ रही है और इसी बीच उसे एक अच्छी खबर मिली है। विकास और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने वाली है। रिजर्व बैंक अपने सरप्लस, जी हां, अपने सरप्लस से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए देगा, जो अर्थव्यवस्था को एक बड़ी रफ्तार देगा। केंद्र की सरकार को रिजर्व बैंक से मिलने वाली है अब तक की सबसे बड़ी मदद। पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान की कमेटी की सिफारिशों पर अमल करते हुए आरबीआई ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि गवर्नर शशिकांत दास की अगुवाई में रिजर्व बैंक बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बैंक 1,76,000 करोड़ का लाभांश केंद्र सरकार को देगा। सरप्लस पैसे से केंद्र सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। मोदी सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी, सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5 सालों के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसे ऊपर उठाने के लिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े कदमों की घोषणा की है। सरकार की कोशिश है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3% तक लाया जाए और आरबीआई की ओर से मिलने वाली इस मदद से उस लक्ष्य को हासिल करना आसान हो सकता है। उधर सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से अपने बयान से पार्टी को पसोपेश की स्थिति में डाल दिया है। बार बार अपने बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर लाने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया कि पार्टी को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। अपने बयानों से बार बार बीजेपी की किरकिरी कराने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा के एक बयान ने फिर बीजेपी की फजीहत करा दी है। एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने विपक्ष पर हमला बोलते बोलते कुछ ऐसा कहा कि विवाद खड़ा हो गया। मैं जब चुनाव लड़ी उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है। अब बीजेपी के किसी नेता के पास ये जवाब नहीं कि भला विपक्ष की मारक शक्ति का क्या मतलब है। उसी सभा में ठीक साध्वी के सामने बैठे कैलाश विजय वर्गीय ने बयान से किनारा कर लिया। विपक्ष जो है मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि नेताओं के जाने के पीछे ऐसा कुछ है? ये उनकी निजी राय, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं। यही सवाल मध्य प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेता गोपाल भार्गव से पूछा गया तो वो भी हंसकर टालने लगे, कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। कौन सी मारक शक्ति है, क्या है विपक्ष, कौन सी मारक शक्ति कर रहा है? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, वही बताए। साध्वी खुद भी सफाई देने से भाग रही है, लेकिन उनकी वजह से बीजेपी फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी के संगठन मंत्री ने उन्हें फिर तलब किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने कुछ ऊटपटांग बोला। अब बात कर लेते हैं जानलेवा सेल्फी की। राजस्थान के झालावाड़ में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान तेज धार में फंस गई। नदी के पुल के खंभे को पकड़कर खड़ा ये युवक करीब आधे घंटे तक ऐसे ही फंसा रहा। राजस्थान के झालावाड़ में नदी में फंसा यह युवक सेल्फी ले रहा था, तभी अचानक उसका मोबाइल नदी में गिर गया और युवक अपने फोन को निकालने के लिए नदी में कूद गया। लेकिन युवक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नदी में पानी कितना गहरा है और युवक नदी में फंस गया। युवक को बचाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले नदी के किनारे खड़े लोगों ने इस युवक तक रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन रस्सी वहां तक पहुंची ही नहीं, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी को नदी में कूदना पड़ा। पुलिसकर्मी के साथ एक और स्थानीय युवक भी नदी में कूदकर युवक के पास तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों तैरकर युवक को किनारे तक लेकर आए और युवक को सुरक्षित बचा लिया गया।
ऐसी खबरें देखकर एबीपी न्यूज तो यही अपील करेगा दर्शकों से अपने कि अपनी जान की कीमत को समझिए। एमपी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीहोर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से दो बच्चे डूबते डूबते बच गए। पहले एक बच्चा नदी में गिरा, फिर दूसरा। ये तस्वीरें हैं एमपी के सीहोर की, जहाँ इन दिनों बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। नेवज नदी के पुल पर पानी ऊपर से बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि दो बच्चे नदी में ही बह गए। पुल पर मौजूद लोगों ने बिना समय गवाए नदी में छलांग लगा दी। लोगों ने एक बच्चे को तो तुरंत बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा थोड़ी दूर तक बह गया। हालांकि लोगों ने सूझबूझ से दूसरे बच्चे को भी बचा लिया। बारिश की वजह से सीहोर में नदियां पूरे उफान पर हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण से शहर तक का इलाका पूरी तरह जलमग्न है। शहर के कई इलाकों में सड़क पर भी कई फीट पानी भरा हुआ है। देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं लोग फंस रहे हैं तो कहीं उनके वाहन। बारिश की वजह से तेज धार में लोग अपनी गाड़ियों समेत फंसते दिखाई दे रहे हैं। जैसे तैसे लोगों की जान बच रही है। आपको बांसवाड़ा और बैतूल की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के बांसवाड़ा की, जहां सड़क पार करने के दौरान बाइक पानी के तेज बहाव में ही बह जाती है। बाइक सवार ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि बाइक ही पानी में बह गई। ये तस्वीरें किसी नदी या नाले को पार करने की नहीं है, ये बांसवाड़ा के बीच चौराहे की तस्वीरें हैं, जहाँ बारिश की वजह से भारी जल जमाव हो गया। अब आपको एमपी के बैतूल की ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं। बाइक सवार ने जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की ठानी, लेकिन बीच रास्ते में ही बाइक पानी में गिर गई। बैतूल में ताप्ती नदी पर बने एक पुल को पार करने की कोशिश में ये युवक अपनी जान से खिलवाड़ कर बैठा। बाइक सवार को बहता देख आसपास खड़े लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और बाइक सवार को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब एक ऐसी खबर जिसको देखकर हर किसी भारतीय को गर्व महसूस होगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश लौटी पीवी सिंधु। सिंधु की वतन वापसी पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गोल्ड मेडल जीतकर पीवी सिंधु आज रात दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पहुंची तो दिल्ली हवाई अड्डे पर सैकड़ों लोग वहां उनका इंतजार कर रहे थे, वहां मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ही खेल मंत्री किरेन रिजिजू पीवी सिंधु को अपने घर पर सम्मानित करेंगे। जापान की ओकुहारा को 21-7 से हराकर उन्होंने गोल्ड जीता है। पीवी सिंधु इस बार लगातार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी और इस बार यह खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। पूरे देश को उन पर नाज है और चेहरे की खुशी देखिए। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। कैमरे की चमचमाहट के बीच में देखिए उनकी मुस्कान। और दुनिया जीतकर देश की बेटी घर लौटी है और जोरदार स्वागत उनका हुआ। दूसरी तस्वीर वो जब उन्होंने चैंपियनशिप जीती, जीतने के बाद उन्होंने कहा उनका ये अवार्ड वो अपनी माँ को डेडिकेट करती हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी उनकी माँ का जन्मदिन था। और पीवी सिंधु ने चैंपियनशिप जीतने के बाद ये भी कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। तो दुनिया जीतकर देश लौटी है बेटी और जोरदार स्वागत उनका किया गया। कुछ देर बाद खेल मंत्री रिजिजू अपने घर पर उनको सम्मानित भी करने वाले हैं। पर कल रात जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जापान की खिलाड़ी को उन्होंने हराया और बैडमिंटन का विश्व कप अपने नाम किया। तो भारी सुरक्षा के बीच कल रात जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आना हुआ तो सैकड़ों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से फूलों की माला से उनका स्वागत किया गया। I'm really very happy and definitely a happy moment for me and I'm really proud of my country. A much awaited win and I finally won it, so I'm really very happy about it. और अब बात करते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज अरुण जेटली के घर जाएंगे। अरुण जेटली देश के पूर्व वित्त मंत्री जिनका निधन हो गया, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर थे। और अब खबर आ रही है कि शोक जताने के लिए प्रधानमंत्री अरुण जेटली के घर जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। और उस वक्त यूएई में थे प्रधानमंत्री मोदी, उनका दौरा वहां पर चल रहा था, लेकिन ट्वीट करके उन्होंने वहां से संवेदनाएं व्यक्त की। कहा, दोस्ती और कर्तव्य के बीच फंस गया हूं, यहीं से श्रद्धांजलि दे रहा हूं। लेकिन अब खबर ये कि वो अरुण जेटली के घर जाएंगे और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे।